हे एवरीवन, वेलकम टू शुम जायस। मैं हूँ शिवांगी शर्मा एंड आज से हम शुरू करने सॉरी दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th इकोनॉमिक्स, द लास्ट यूनिट एंड द लास्ट चैप्टर एज वेल। सो इस यूनिट में हम करने वाले हैं पता डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस का और कंपैरिजन करने वाले हैं नेबर्स कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, सो हेयर इज़ चैप्टर 10, कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। ठीक है, सो दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th इकोनॉमिक्स। सो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि क्या कंपेरेटिव ट्रेंड्स थे वेरियस इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में इंडिया और उसके नेबर कंट्रीज़ में। बेसिकली हम चाइना और पाकिस्तान के साथ कंपेरिजन करने वाले हैं। उसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं क्या 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 स्ट्रेटेजीज़ कंट्री ने अडॉप्ट की ताकि वो अपनी प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट तक आज जो पहुँचे हैं वो उस टाइम उन्होंने क्या क्या वो किया। ठीक है, तो हमने देखा कि ओवर लास्ट टू डिकेज ऑल्सो जो हमारी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है उसने ना वर्ल्ड वाइड जगहों पे चेंज लिया। डिफरेंट कंट्रीज़ ने अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन किया। ग्लोबलाइजेशन का भी इसमें एक बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, जो नेशन है उसने ट्राई करते रहा हमेशा कि वो अपनी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी से उसको और ताकतवर करते रहे। उसके लिए डिफरेंट ग्रुप्स भी ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुप्स बने, जैसे SAARC, यूनियन यूरोपियन यूनियन, EASEAN, G8, G20, ब्रिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये एक एडिशनल सोर्स बनकर आए ताकि हम वर्ल्ड वाइड भी कनेक्ट कर सके, साथ में अपनी कंट्री का भी पता कर सके। ठीक है, इसमें हम इस चैप्टर में हम बेसिकली परस्यू करने वाले हैं डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज जो परस्यू की थी इंडिया और लार्जेस्ट टू नेबरिंग इकोनॉमीज विच इज़ पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है, सो डेवलपमेंटल पाथ अ स्नैपशॉट व्यू, हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट पाथ। ठीक है, जो तीनों के तीनों थ्री नेशंस ने साथ में ही शुरू किया था, ये जो हमारा पाथ था सेम टाइम में ही शुरू किया था। इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट मिली 1947 में, जबकि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश हुआ 1949 में। ठीक है, दो ईयर का ही इसमें गैप है। ठीक है, जब इंडिया ने अनाउंस किया अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में, पाकिस्तान ने अनाउंस किया उसका फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जिसको हम आज मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान भी बोलते हैं। ठीक है, 1956 में चाइना ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सॉरी 1953 में चाइना ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान ने बेसिकली सिमिलर ही स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करी थी, ताकि जिसमें से एक लार्ज पब्लिक सेक्टर को क्रिएट करना था, पब्लिक एक्सपेंडिचर को और सोशल डेवलपमेंट को रेज करना था। ठीक है, हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें जब हमने स्टार्ट की थी ये बुक। ठीक है, 1980s में सभी तीनों कंट्रीज़ का एक पर कैपिटा जो पर कैपिटा इकोनॉमीज थी और जो ग्रोथ रेट्स थे वो इक्वली थे। ठीक है, हम बढ़ते हैं चाइना के बारे में। जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश हुआ, तब जो भी क्रिटिकल सेक्टर थे इकोनॉमीज के, जो भी एंटरप्राइजेस लैंड ओन बाय ऑपरेटर एंड इंडिविजुअल वर ब्रॉट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर आ गई थी। ठीक है, फिर ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF कंपेन इनिशिएट हुआ 1958 में, जिसका मेन एम था कि जो कंट्री की इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको मैसिव स्केल तक पहुंचाना। ठीक है, फिर आता है कम्यून सिस्टम में जो कलेक्टिवली कलेक्टेड लैंड्स थी 1958 में, उनको 2000 कम्यून कवरिंग, जिसमें फार्म पॉपुलेशन थे उसमें कवर कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद पर GLF कैंपेन जो था उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिली, बिकॉज ड्राउट आ गया बीच में, जिसमें अराउंड 30 मिलियन चाइनीज मारे गए, और रशिया के बीच में भी चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें भी लड़ाइयाँ होती रही, जिसमें से रशिया ने सारे प्रोफेशनल्स जो चाइना में पहले काम करते थे उनको वापस बुला लिया। ठीक है, उसके अलावा ग्रेट प्रोलेटरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, जिसमें सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को भी काम करने भेज दिया गया कंट्री साइड में। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी सेटअप किए गए। फिर पाकिस्तान के बारे में हम पढ़े तो पाकिस्तान का बेसिकली आप देखोगे तो आपको इंडिया जैसा सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान ने मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल बनाया, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों का कोएग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत बहुत तरह तरह के पॉलिसी फ्रेमवर्क देखने को मिले। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिसने मैकेनाइजेशन और
पब्लिक इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा इंक्रीज लाया इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, सिलेक्टेड एरियाज में हुआ. बट ये 1970s में नेशनलिज्म ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज टुक प्लेस, ठीक है. पाकिस्तान देन शिफ्टेड टू पॉलिसी ओरिएंटेड फॉर द लेट 1970s एंड 1980s व्हेन द मेजर थ्रस्ट एरियाज वर डीनेशनलाइजेशन एंड एनकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है. प्राइवेट सेक्टर को भी इनक्रेज किया गया. अब देखते हैं डेमोक्रेटिक डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स. जैसे हम देखें ग्लोबल लेवल में अगर 6 लोग रहते हैं तो उसमें से उन 6 में से एक इंडियन होता है और दूसरा चाइनीज़ होता है, ठीक है. तो इतनी, और जबकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट 1/10 है चाइना या इंडिया की, ठीक है. सो यहाँ पे हम डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स मैप इनके थ्रू पढ़ेंगे, टेबल के थ्रू, तो आपको बेसिकली जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है. कितनी पॉपुलेशन थी मिलियंस में हम देखेंगे. इंडिया में थी 1,352 मिलियन, 1,393 मिलियन इन चाइना एंड 212 मिलियन इन पाकिस्तान. तो अब देखो पाकिस्तान की कितनी कम पॉपुलेशन है कंपेरेटिवली, है ना. अब कितना एनुअल ग्रोथ था, वो था कि आप देखो इंडिया की जो एनुअल ग्रोथ थी पॉपुलेशन की वो थी 1.03, चाइना की 0.46 और पाकिस्तान की 2.05. डेंसिटी थी पर स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में 455, चाइना में 148 और पाकिस्तान में 275. अगर हम सेक्स रेशियो देखें तो इंडिया का सेक्स रेशियो था 924, चाइना का 949, पाकिस्तान का 943. फर्टिलिटी रेट देखें तो इंडिया का फर्टिलिटी रेट था 22.2, 1.7 था चाइना का और पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट था 36. अर्बनाइजेशन हम देखें तो चाइना का इंडिया का अर्बनाइजेशन था 34, चाइना का 59 और पाकिस्तान का 37, ठीक है. अब हम देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सेक्टर्स, जो हमारा जीडीपी था, जीडीपी और उसके सेक्टर्स, जीडीपी और सेक्टर्स को आज हम अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है. यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा चाइना की जीडीपी के बारे में डिस्कस किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि चाइना का जो चाइना का सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है विच इज़ ऑफ 22.5 ट्रिलियन डॉलर इन द वर्ल्ड, और जबकि इंडिया का है 9.03 ट्रिलियन डॉलर और पाकिस्तान का है 0.94 ट्रिलियन, ठीक है, जो कि इंडिया के जीडीपी का अराउंड 11% है, ठीक है. इसको भी हम ग्राफ के थ्रू पढ़ते तो ज़्यादा इजी हो जाएगा. अगर हम एनुअल ग्रोथ ऑफ जीडीपी डिस्कस करें 1880 से लेकर 2017 का, तो इंडिया का 1980 में जो जीडीपी की ग्रोथ थी वो थी 5.7 और 7.3 ये होगी 2015-17 में. चाइना की 10.3 थी 1890 में और 2015-17 में ये होगी 6.8, ठीक है. यहाँ पे देखो चाइना में थोड़ा सा डिक्रीमेंट है, पाकिस्तान में हम देखें 6.3, 5.3, ठीक है, 1% का डिक्रीमेंट है. उसके अलावा काफ़ी इंडस्ट्रीज सेटअप थी. यहाँ पे आप देखो यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें कहाँ का बनाई जाती थी, ठीक है. गवर्नमेंट ने काफ़ी इनक्रेज किया लोगों को कि अपनी फील्ड छोड़कर वो हैंडीक्राफ्ट और जो कमर्स और ट्रांसपोर्ट जैसी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा अपना पार्ट दे, ठीक है, ज़्यादा परस्यू करे. 2018-19 में 26% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थी और चाइना का जो जीवीए का कंट्रीब्यूशन था वो 7% तक बढ़ गया था, ठीक है. ये हम ग्राफ में ऑलरेडी, हाँ ये रहा ग्राफ, ठीक है. सो सेक्टरल शेयर, सेक्टरल क्या शेयर था वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है. इंडिया का जो सेक्टरल शेयर था एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का, तो 16% कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का, 30% इंडस्ट्री, 54% सर्विस. वहीं चाइना में हम देखें तो 7% ही था सिर्फ एग्रीकल्चर का, 41% था इंडस्ट्रीज़ का और 52% था सर्विसेज का. पाकिस्तान में हम देखें तो 24% एग्रीकल्चर का था, 19% था इंडस्ट्री, 57% था सर्विसेज का, ठीक है. और वर्कफोर्स का क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यहाँ पर, ठीक है, ये परसेंटेज में है. अब यहाँ पे देखो वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली इंडिया में, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो देखो जैसे इंडिया का 43% जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर को लेके, जबकि सिर्फ 16% ही
उसका शेयर आ रहा है, ठीक है। 25% जो वर्क फोर्स है वो है इंडस्ट्री में, जिसका सिर्फ 30% आ रहा है, और 32% है सर्विसेज में। वहीं चाइना में हम देखें तो 26% लोग अभी भी एग्रीकल्चर पे है, 28 इंडस्ट्री पे, 46 टर्शरी। सेम इन द पाकिस्तान, 41 लोग एग्रीकल्चर पे, 24 इंडस्ट्री और सर्विसेज पे, 35। ठीक है, इसी ग्राफ को यहाँ पे थ्योरेटिकली नीचे डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे अब हम देखें कि क्या ट्रेंड था आउटपुट ग्रोथ में डिफरेंट सेक्टर में, ठीक है, 1980 से 90 और 2014-18 तक। एग्रीकल्चर, इंडिया का एग्रीकल्चर में था 3.1, 7.4 एंड सर्विसेज में था 6.9 1980 में। 2014-18 में ये एग्रीकल्चर का बन गया 3.1, इंडस्ट्री का बन गया 6.9, सर्विसेज का बन गया 7.6। वैसे चाइना में हम देखें तो 1980-90 में तो 5.9, 10.8, 13.5, वहीं 2014-18 में 3.1, 5.3 एंड 7.1। पाकिस्तान का हम देखें तो एग्रीकल्चर का 4, इंडस्ट्री का 7.7, सर्विसेज का 6.8। एग्रीकल्चर का हम देखें 2014-18 पाकिस्तान तो 1.7, 4.8 एंड 5.0। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ का क्या, हेल्थ डेवलपमेंट के क्या इंडिकेटर्स थे। तो हम देखें, हम यहाँ पे देखेंगे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान दोनों का क्या परफॉर्मेंस थी, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में। तो अब हम देखें कुछ सेलेक्टेड इंडिकेटर्स ह्यूमन डेवलपमेंट के। तो HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इंडिया का इसमें था 0.645, चाइना का 0.761 और पाकिस्तान का 0.557। ठीक है, अब हम रैंक चेक करें ऑन द बेस्ड ऑफ HDI, तो 130th रैंक, ये बहुत कम रैंक है 2017-19। चाइना 87, पाकिस्तान 154। अब हम देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 69.7, 76.9 एंड 67.3। अब हम देखें मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान इज 6.5, 8.1, 5.2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, GNP, सॉरी ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा 6,618, 16,057, 5,005। ठीक है, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। उसके अलावा हम देखें कितने लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो रहते हैं, तो 21% इंडिया में, 1.7% चाइना में और 24% इसमें पाकिस्तान में। ठीक है, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट एज पर 1,000 लाइफ बर्थ 29.9 था इंडिया में, 7.4, 57.2। इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मेटर्निटी मोर्टैलिटी रेट एज पर 1 लाख बर्थ 133, 29 एंड 140 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पॉपुलेशन यूजिंग द लीस्ट बेसिक सैनिटाइजेशन 60%, 75%, 60%। पॉपुलेशन यूजिंग लीस्ट बेसिक ड्रिंकिंग वाटर 93, 96, 91%। अंडर नरिश चिल्ड्रन 37.9 इंडिया में, 8.1 चाइना और 37.6 पाकिस्तान में। ठीक है, हम देखते हैं डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज़, एक अप्रेजल। अब हम देखें तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ कंट्री ने ना अप्लाई की थी, वो कि दूसरों को लेसन्स और गाइडेंस देना, ठीक है, अपने डेवलपमेंट में के बारे में, कि हम खुद कैसे डेवलपमेंट करें ये बताना ज़रूरी थी था, ठीक है, ताकि, और उसके अलावा हम अपने इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को अगर हमें जानना है तो हम बाकी नेबर कंट्रीज़ का भी वो सक्सेस और फेलियर्स के अगर हम रूट्स एक साथ रखें तो ये जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो ये हमारे लिए एक वो बनकर आता है कि हम पता कर सकते हैं कि हमारी क्या सिचुएशन है। ठीक है, उसके अलावा हम देख सकते हैं कि कैसे चाइना, पाकिस्तान और इंडिया का रेफरेंस था जब नए नए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है, फिर चाइना का कोई कंपल्शन नहीं था इंट्रोड्यूस करने का, कि रिफॉर्म्स वर्ल्ड बैंक में उन्होंने नहीं, कंपल्शन नहीं था, जबकि इंडिया और पाकिस्तान का इंडियन मॉनेटरी फंड में था। ठीक है, उसके अलावा चाइनीज़ इकोनॉमी जो थी वो मॉइस्ट रूल में ज़्यादा थी, बट जब वो रेवोल्यूशंस आए तब मॉइस्ट रूल को हटा दिया गया और सेल्फ सफिशेंसी पर ध्यान दिया गया। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश किया गया, एजुकेशन, हेल्थ, लैंड रिफॉर्म, किसी भी सेक्टर पे, हर सेक्टर पे। ठीक है, पाकिस्तान हो, इंडिया हो या चाइना हो, तीनों ने अब अपनी GDP में इंक्रीमेंट दिखाई, पॉवर्टी को भी हटाने की कोशिश की, काफ़ी जगह पॉवर्टी हट भी गई बट काफ़ी जगह अभी भी
थोड़ा थोड़ा पॉवर्टी का रेट है, ठीक है। अगर हम देखें लास्ट फ्यू इयर्स में, तो पाकिस्तान ने काफ़ी रिकवर किया है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में, अपने एनुअल प्लान को भी बार बार रिवाइज किया है, ठीक है। कंक्लूजन बताता है कैसे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान ने 7 डिकेड से डेवलपमेंट पाथ पे वॉक किया, ठीक है। कैसे अलग अलग तरीके से मकैनिज्म हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, ग्लोबलाइजेशन को भी अपनाया, सभी के 5 ईयर प्लान्स कैसे कैसे डिफरेंट थे, और तीनों कंट्रीज ने कैसे इतना वर्क किया कि आज वो तीनों कंट्रीज इस लेवल तक है, ठीक है। सो हियर इज इट फॉर द वीडियो चैप्टर एंड द क्लास 11th इकोनॉमिक एज वेल। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।